महिला एवं बाल अपराध संरक्षण अधिकार अधिनियम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में जानकारी साझा की गई। डॉक्टर भानु प्रताप साव के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी दिलेश्वर चंद्रवंशी व शायर टीम बालोद और चाइल्ड हेल्पलाइन बालोद द्वारा बाल सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत स्कूल के बच्चों को पुलिस थाना चौकी का भ्रमण करने तथा पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दिया गया, जिसमें रोजनामचा कक्ष, रीडर कक्ष, बंदीगृह कक्ष, बाल मित्र कक्ष, CCTNS कक्ष की कार्यप्रणाली की जानकारी दिया गया एवं छात्रा साक्षी ठाकुर को थाना प्रभारी के पद व कार्यप्रणाली को अवगत कराते हुए पद का सम्मान दिया गया। बाल मित्र थाना निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी भानु प्रताप साव ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने एक छात्रा को अपनी सीट पर बैठाया। उन्हें पुलिस का कैप पहनाकर कहा चलो कुछ देर के लिए थाना प्रभारी बन जाओ। उन्हें प्रोत्साहित किया और एक कर्मचारी को आवेदक बनाकर उनसे पूछताछ करवाने का अभ्यास कराया। ऐसा कर उन्होंने पुलिस के प्रति बच्चों में बैठे डर को दूर किया। बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012, मानव बाल तस्करी के संबंध में जानकारी, सखी सेंटर महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी साझा की, जाकर नागरिकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में थाना ग्रुप से सोनी भुजवल साहू, राजेश टंडन, नर्मदा कोठारी साइबर सेल बालोद से प्रधान आरक्षक रूम लाल चुरेंद्र, आर योगेश कुमार गुड़ाम, महिला सेल बालोद से सोनी सीता गोस्वामी दुलेश्वरी साहू एवं जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र साहू, चाइल्ड लाइन बालों से समन्वयक वेद प्रकाश साहू, पूजा साहू, शिव साहू उपस्थित रहे। अभी आप कहाँ आए हैं, किस तरह कहाँ आए हैं आप अभी? हम अभी गुरुर के थाने में आए हैं। क्या करने आए हैं? जानकारी प्राप्त करने। किस तरह का, क्या क्या जानकारी मिला आपको यहाँ पे? FIR कैसे लिखते हैं, बाल और सब जानकारी, स्टोर बाकी सभी। बेटा अपना नाम बताना। मेरा नाम लक्ष्य कुमार साहू है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल कुलिया में। अभी आप कहाँ हैं और यहाँ पे किस तरह की जानकारी मिली, आपको क्या लगा? मैं अभी गुरुर के पुलिस स्टेशन में आया हूँ, जहाँ मुझे निम्न प्रकार की जानकारी मिली, जैसे बाल मतलब बच्चों को किस तरह मतलब उनसे सवाल जवाब करने के लिए उनसे किस तरह का कानून बना है, और FIR दर्ज कैसे होता है, और शस्त्र कैसे चलाते हैं, और ऐसी चीज़ों के बारे में। आपने थाना में क्या क्या देखा, कौन कौन सा कक्ष देखा, आपने क्या थाना प्रभारी से मिले, उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? थाना प्रभारी ने मुझे बहुत सी जानकारी दी, जैसे उन्होंने हमें चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर के बारे में बताया, और जैसे हमें अगर कहीं पर मुसीबत में है तो हम वहाँ से कैसे बचें, और इसी प्रकार की और जानकारी दी। और क्या क्या देखा आपने थाने में, के कौन कौन सा कक्ष देखा और क्या क्या देखा? मैंने विवेचक कक्ष देखा, बाल मित्र कक्ष देखा, और रीडर कक्ष देखा, थाना प्रभारी कक्ष देखा। काफ़ी बच्चे आपके यहाँ आए हुए थे, ये किस तरह की कार्यक्रम पे हैं और ये शासन की मंशा क्या है इसमें? ये हमारे PHP विभाग कार्यक्रम पे हैं और ये शासन की मंशा क्या है इसमें? ये हमारे PHP विभाग मान पुलिस विभाग की ओर से बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 14 अप्रैल, तो इसके तहत होता ये है कि बच्चों को थाना के संबंध में जानकारी नहीं होती है, बच्चों की जीविका रहती है अन्य जो बासों और अन्य कानूनों के संबंध में, उनको जानकारी थाना में कैसे कार्रवाई होती है, क्या FIR होता है, इस संबंध में जानकारी उनको प्राप्त कर सके दे सकें, ताकि वो भविष्य में उस चीज़ों का लाभ उठा सकें। और बच्चों का सबसे पहले जो पुलिस के प्रति जो झिझक रहती है, उस झिझक को दूर करने का अथक प्रयास है। सर, इस तरह के कार्यक्रम से क्या आपको लगता है कि बच्चों में एक जागरूकता आएगी? अवश्य, इस प्रकार के हर थाना क्षेत्र और हर चौकी में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो तो अवश्य ही जागरूकता आएगी बच्चों में, क्योंकि वर्तमान में बच्चे जो हैं
जागरूक हो चुके हैं, उनका जो सोच है वो परिवर्तन हो चुका है और उनकी झिझक जो है दूर होते जा रही है।